सो हेलो दोस्तों, ऑलराउंडर गेमिंग के एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का पहला अपडेट है बॉस ऑफिशियल के तरफ से। तो बॉस ऑफिशियल ने बांग्लादेश के यूट्यूबर कब्बो और उनके कुछ टीममेट को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो अपलोड किया और इसमें बॉस ऑफिशियल ने यह कहा कि कब्बो और उनके टीममेट हैक यूज करते हैं और कब्बो के टीममेट मेडमैन को उनके यहाँ के लोग ही पैनल यूज करने के वजह से एक्सपोज किया और इन सब के बाद भी कब्बो अपने टीममेट को सपोर्ट करते हैं और इसके साथ ही उनके टीममेट ये बोलते हैं कि वो लोग हैक यूज नहीं करते। तो अभी इन सब के वजह से बॉस ऑफिशियल ने इन लोगों को एक्सपोज किया और इस वीडियो के ऊपर बॉस ऑफिशियल ये कहा था कि इस वीडियो में अगर 25 के लाइक्स नहीं होता तो बॉब से एक्सपोज करना ही छोड़ देंगे। पर जो भी हो, हमारे ये वीडियो बनाते टाइम उनके इस वीडियो में 36 के लाइक्स कंप्लीट हो चुके थे और इसके अलावा उन्होंने इस वीडियो में ये कहा कि वो जल्दी ही इंडिया के जाने माने फ्री फायर स्क्वाड को एक्सपोज करेंगे। तो अभी देखने वाला बात होगा कि ये स्क्वाड कौन होता है। वैसे आपको अगर बॉस ऑफिशियल का ये पूरा वीडियो देखना है तो जाके देख सकते हैं। अगला अपडेट है रोकियन आरडीएक्स के टूर्नामेंट के तरफ से। तो कल रोकियन आरडीएक्स ओपन लीग का जो ग्रैंड फाइनल हुआ था तो उसका चैंपियन बना द माफिया और इसके साथ ही रोकियन आरडीएक्स ने इसके ऊपर ये कहा द माफियास ने इस बार बैक टू बैक डोमेस्टिक में 10 बार चैंपियन बने हैं और इन सब के ऊपर ही रोकी भाई ने क्या कुछ कहा था सुन लीजिए। There's no surprise today guys, it's the mafias! जी हाँ guys, जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हो guys, the mafias is at the table top with 111 points. 111 points के साथ the mafias ने ये championship जीती। इतना ही नहीं, द माफियाज ने पूरे 10 टूर्नामेंट जीतने का इतिहास रच दिया। 10 टूर्नामेंट जीतने का एक अनोखा इतिहास रच दिया माफियाज ने। एक ही महीने में 10 अलग अलग एमेच्योर लेवल के टूर्नामेंट जीते डोमेस्टिक लेवल पे। तो अभी इन सब के लिए हमारे तरफ से भी टीम माफियास को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और टोटल गेमिंग ने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, हे एवरीवन, आई एम नॉट बीइंग मैनेज्ड बाय एनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसमें टोटल गेमिंग ने यही कहा कि उनको किसी भी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज नहीं करता। तो ऐसे कंपनी उनके नाम से अगर आपसे कॉन्टेक्ट करता है तो आप लोग भरोसा मत करना। तो अभी बात करते हैं कुछ अलग न्यूज के बारे में और इस न्यूज के ऊपर पूरे देश के साथ ही काफी सारे यूट्यूबर ने भी रिएक्ट किया। तो आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर को जान से मार दिया गया। तो कन्हैयालाल नाम के ये टेलर जब अपने दुकान पे काम कर रहे थे तो उस टाइम पे दो लोग उनके दुकान पे कस्टमर बन के आए थे और इन्हीं दो लोगों ने उनको चाकू से जान से मार दिया और इसी दौरान इन लोगों ने वीडियो भी बनाया था जिसको उन लोगों ने अपलोड भी कर दिया। वैसे इन सब के बाद इन दोनों हथियारे को पुलिस ने पकड़ लिया और ये घटना इतना दुखद और निंदनीय है कि इसमें पूरे देश के लोग, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, सभी ने इसके खिलाफ आवाज उठाया और इसके ऊपर ही कई सारे यूट्यूबर, बड़े बड़े कलाकार, नेता, रिपोर्टर के साथ ही और भी काफी सारे लोगों ने अपना दुख जाहिर किया और इस घटना को निंदनीय बताया। और इसी के ऊपर मैक्स टेन और अनुपम खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट किया और फ्लाइंग बीच ने अपने ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट किया और इसी के ऊपर नियोन में ने भी हार्टब्रेक वाला रिएक्शन दिया और इसके साथ ही के ध्रुव राठी और इल्विश यादव ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट किया और उनके अलावा इसके खिलाफ और भी काफी सारे लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और इसी के ऊपर अभी न्यू ने अपने ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट करते हुए लिखा, टू स्पीक द ट्रूथ यू हैव टू बी एनोनिमस और डेड। और उनके इसी ट्वीट के ऊपर मैक्स टेन ने भी रिप्लाई देते हुए लिखा, आप मानो ना मानो किसी सेंसिटिव टॉपिक पर वीडियो बनाना भी खतरनाक काम है अब जिस हिसाब से यह सब हो रहा। तो ये सब चीजों को देख के लोगों के मन में भी डर आ गया है। वैसे इन सब के मामले के ऊपर अदनान और अदनान के भाई ने भी अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया। तो ये घटना इतना खराब है कि लोग सोच भी नहीं सकता। वैसे अभी इसके ऊपर एनआईए ने अपना जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। वैसे इस मामले के ऊपर जब मोबाइल बनी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था तो उसमें हत्या का फोटो यूज करने की वजह से उनके इस ट्वीट को ट्विटर ने डिलीट कर दिया और इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए मोबाइल बनी ने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया। वैसे इस पूरे मामले के ऊपर आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और थारा भाई जोगिंदर का जो तबाही सॉन्ग था वो फेसबुक में एक दिन के अंदर ही 4.6 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो गया और इसी के ऊपर ही उन्होंने अपने इंस्टा पे ये स्टोरी शेयर किया। और मैक्सटन ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया जिसमें लिखा था, द ओनली न्यूज चैनल आई ट्रस्ट दिस डेज इज नियोन मैन एंड न्यूज बॉय। तो मैक्सटन के इसी ट्वीट के ऊपर किसी ने रिप्लाई देते हुए लिखा, आई ओनली ट्रस्ट न्यूज बॉय, नियोन मैन इज बायस। तो इसमें सभी का अपना अपना राय और अलग अलग पसंद होता है। तो कोई चीज किसी को अच्छा लग सकता है और किसी को बुरा लग सकता है। तो ऐसा हर जगह में होता ही रहता है। वैसे जो भी हो, इसके ऊपर मैक्सटन ने नियोन मैन को टैग करते हुए लिखा, नियोन मैन ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सभी का पसंद अलग अलग होता है। और थगेश ने अपने इंस्टा पे एक रील शेयर किया था जिसको अदनान ने भी लाइक किया। पर आपको पहले ही ये बता दे कि अदनान और थगेश का कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है। तो जिस बंदे के साथ आपका कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है तो वही बंदा आपकी रील को अगर लाइक करे तो आपको थोड़ा सा तो शौक लगेगा ही। तो इसी को ही थगेश ने अपने इंस्टा पे शेयर किया और इसके ऊपर उन्होंने लिखा, नाइस अपडेट इंस्टाग्राम। और एटू सर ने अपने चैनल पे ये कमेंट पोस्ट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि वो संदीप महेश्वरी जी के शो में गए थे और इसी के ऊपर उन्होंने संदीप महेश्वरी
ऐश्वर्य जी को थैंक्स किया। तो अभी देखते हैं कि कब तक उनका ये वीडियो आता है। और पायल जॉन ने अपने चैनल पे ट्रिगर इंसान के ऊपर एक और वीडियो अपलोड किया और इसमें पायल जॉन ने ये कहा कि उनका और ट्रिगर इंसान का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, यानी कि उन दोनों का जो झगड़ा हुआ था वो ठीक हो गया। और इसमें पायल जॉन ट्रिगर इंसान फुकरा इंसान के साथ ही और भी काफी सारे यूट्यूबर के साथ मिलने गए थे। पर पायल जॉन इसमें जो भी वीडियो यूज किया था वो सब उनका नहीं था, यानी कि सभी वीडियो फेक था। यानी कि लोगों का वीडियो यूज करके वो ये बोल रहे थे कि वो ट्रिगर इंसान से मिलने गए थे और उनके ये वीडियो भी फेक था। तो आप लोग उनके वीडियो पे भरोसा मत करना। और आदिदेक ने अपने इंस्टा पे कुछ वीडियो क्लिप शेयर किया था और इसमें छोटा सा बच्चों के लिए कुछ झोपड़ी टाइप का घर दिख रहा है और इस छोटे से झोपड़े में कैमरा भी लगा हुआ था और इसी को आदिदेक ने गेस करने को कहा और उनका ये वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। और इसको देख के हमें ये लगता है कि ये शायद कोई चैलेंज टाइप का वीडियो होगा। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह का वीडियो होता है। तो गाइस ये था आज का कुछ न्यूज और अपडेट। तो आपको अगर ऐसे ही वीडियो रोज देखना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना।